धरती पर मंडरा रहा विशालकाय धूमकेतु का खतरा। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष से फिर एक मुसीबत पृथ्वी का रुख कर रही है। नासा का कहना है कि इतिहास का सबसे बड़ा धूमकेतु हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस घटना पर नजर बनाए हुए है। ये धूमकेतु धरती की तरफ 35,405 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका वजन 500 ट्रिलियन टन है, जिसका बर्फीला नाभिक 128 किलोमीटर चौड़ा है। ये धूमकेतु दूसरे कॉमेट की तुलना में 50 गुना अधिक बड़ा है। हालांकि इसके धरती से टकराने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। एक दशक से भी अधिक समय पहले देखा गया था धूमकेतु। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि ये सूर्य से करीब 1.60 अरब किलोमीटर के करीब नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक धूमकेतु C-2014 UAN-271 को पहली बार नवंबर 2010 में एक दशक से भी अधिक समय पहले देखा गया था। उस समय यह सूर्य से 4.82 बिलियन किलोमीटर दूर था। सौरमंडल के किनारे से ही अपने केंद्र की ओर यात्रा कर रहा था। इसका द्रव्यमान आमतौर पर सूर्य के पास देखे जाने वाले अन्य धूमकेतुओं की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक है। कॉमेट का पता लगाना भी एक कला। तब से वैज्ञानिक पृथ्वी और अंतरिक्ष में दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2031 में उनकी यात्रा शनि जितनी दूर एक बिंदु पर समाप्त होगी। इसे देखने वाले वैज्ञानिकों को पता था कि ये एक विशालकाय धूमकेतु है, लेकिन इसके विशाल आकार का सबसे हालिया अनुमान हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई छवियों पर आधारित था। अरबों साल पुराना है विशालकाय धूमकेतु। धूमकेतु के आकार का निर्धारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसके चारों ओर धूल के कण बहुत अधिक होते हैं, जिससे इसे देखना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि इसके आकार की सही जानकारी होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसके चारों ओर धूल के ढेर सारे कण होते हैं, जिसके चलते इसे देख पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कॉमेट के केंद्र में चमकीले बिंदु को गौर से देखने पर और कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। ये कॉमेट अरबों साल पुराना है और हमारे सौर मंडल में शुरुआती दिनों का अवशेष है। पृथ्वी से 3.2 अरब किलोमीटर दूर। वैज्ञानिकों के विश्लेषण से धूमकेतु के बर्फीले नाभिक के रंग का खुलासा हुआ है। साइंस के एक प्रोफेसर के मुताबिक ये धूमकेतु बड़ा है और कोयले से भी काला है। अभी भी ये पृथ्वी से लगभग 3.2 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। 2031 में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले इसे स्पेस में एक लंबी दूरी तय करनी है। 16 जुलाई 2021 में देखी गई थी एक्टिविटी। इसका आकार 62 से 230 मील के बीच है और ये किसी बौने ग्रह जैसा है। ये किसी आम धूमकेतु से 1000 गुना विशाल है। नई तस्वीर में C-2014 UN-271 सूरज से 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU पर देखा गया था। धरती और सूरज के बीच की दूरी को 1 AU कहते हैं। इस तस्वीर को दक्षिणी अफ्रीकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लॉक रुम्बे ऑब्जर्वेटरी 1 मीटर टेलीस्कोप की मदद से लिया गया था। इसमें एक चमकीला स्पॉट दिखा जहां एक्टिविटी दर्ज की गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट धरती की ओर आता है और फिर ऑर्ट क्लाउड में आ जाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां सौर मंडल का चक्कर काटने वाली गैस और धूल होती है। इसे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने के लिए कुछ दिन नहीं बल्कि 6.12 लाख साल लगते हैं। पिछले 7 साल में ये हर एक साल 1 AU की दूरी तय कर रहा है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये धरती के इतने करीब नहीं आएगा कि इसे बिना टेलीस्कोप के देखा जा सके। इस धूमकेतु की भी देखेगी पूंछ। धूमकेतु भी एक एस्टेरॉयड की तरह सूरज का चक्कर काटते हैं, लेकिन वो चट्टानी नहीं होते बल्कि धूल और बर्फ से बने होते हैं। जब ये धूमकेतु सूरज की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी बर्फ धूल वेपर यानी भाप में बदलती है, जो हमें पूंछ की तरह दिखता है। इसी तरह 2014 UN-271 जैसे जैसे सूर्य के करीब आएगा, इसके धूमकेतु जैसी पूंछ विकसित हो जाएगी।
एसएस की सतह पर मौजूद बर्फ की भाप में बदलने के कारण होगा। दिल्ली से मथुरा जितना विशाल धूमकेतु, वैज्ञानिकों ने सटीक गणना के आधार पर संकेत दिया है कि यह विशाल धूमकेतु या जिसे मेगा कॉमेट कह रहे हैं वो 85 मील यानी करीब 137 किलोमीटर बड़ा है। ये दूरी लगभग उतनी है जितनी सड़क मार्ग से लंदन से बर्मिंघम या न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया या फिर दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिए भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। एक साइंटिस्ट के मुताबिक हमने अनुमान की पुष्टि कर ली है, ये अब तक मिले ऊट क्लाउड का सबसे विशाल धूमकेतु है। आखिर ऊट क्लाउड क्या है? नासा के मुताबिक ऊट क्लाउड हमारे सौर मंडल का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है। इसकी व्याख्या अंतरिक्ष मलबे के बर्फीले टुकड़ों से बने बड़ी मोटी दीवार वाले बुलबुले के रूप में की गई है। कुछ टुकड़े तो पहाड़ों के आकार के और उससे भी विशाल होते हैं और ऐसे खरबों टुकड़े उसमें मौजूद हो सकते हैं। ये विशाल धूमकेतु इससे पिछले विशालकाय धूमकेतु हेलबॉप से भी दोगुना है, जिसे 1995 में दो शौकिया खगोलविदों न्यू मैक्सिको में एलन हेल और एरिजोना में थॉमस बोप ने खोजा था। उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ा था। वो करीब 74 से 80 किलोमीटर बड़ा था। 1990 के दशक में वो पुच्छल तारा करीब 18 महीनों तक खुली आंखों से भी देखा जा सकता था। बहरहाल रिसर्चर्स का कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का होना बताता है कि हमारे सौरमंडल की धूमकेतुओं से अलग तरह से बनता है। ये अपने स्टार सिस्टम के बाहर के क्षेत्र में या सूरज से ठंडे सितारे के पास बना हुआ होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धूमकेतु को किसी अंधेरी ठंडी जगह का स्नोमैन कहा गया है। उन्होंने बताया कि धूमकेतु ग्रहों के बनने के वक्त बचे हुए मटीरियल से बनते हैं और पहली बार ऐसे मेटल की केमिकल बनावट को नापा जा सका है जो किसी बाहरी सिस्टम से आया है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।